तो हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं अचितपुर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने काम में मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आज आपको हम दिखाने वाले अपने अचितपुर बरईपुर का कैलाश आश्रम। और ये देखिए आश्रम के ऊपर पीछे खड़े हैं हम। और ये भीटा है, पहले यहाँ पान की खेती हुआ करती थी, अब यहाँ खेती होती नहीं होती है। बबूल का पेड़ जमा हुआ है, ये पतलो है, पीछे दिख रहा है पोखरा, उसी पोखरे से पानी लेके पान की सिंचाई हुआ करती थी। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी कैलाश आश्रम बरईपुर, और आप लोग देखें और इंजॉय करें। ये शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और अब हम चल रहे हैं आपको दिखाने। देखिए तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं बरईपुर कैलाश आश्रम। और देखिएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छी लगी थी। ये है भीटा, भीटे पर बानी हुई गैया, और ये जा रहे हैं कैलाश आश्रम। जाने कई रास्ते हैं, 3-4 रास्ते हैं। ये पोखरा है, ये देखिए सब भीटा है। पहले पान की खेती हुआ करती थी सब भीटे पर, और अब तो पान की खेती नहीं होती। चारों तरफ पोखरी तालाब देख रहे हैं आप लोग, सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा पोखरी उखरी क्यों है। बता दें कि पहले भीटा था, पान की खेती हुआ करती थी, धीरे धीरे पान की खेती होना बंद हो गई। लेकिन जिसकी पोखरी है अपना, मछली उछली पालन करते हैं। तो ये सामने देखिए मंदिर है नानी वीर बाबा का, और एक कुटिया के पीछे का है, देख रहे हैं आप लोग। अब यहीं से हम कुछ चढ़ेंगे, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। कितना सुंदर है नज़ारा, देखिए सावन के महीने का आनंद ले रहे हैं। हरी भरी पत्तियाँ, पेड़ पौधे कितने सुंदर है। अरे सामने देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, यहीं से लोग आते हैं, वहाँ बाटी चोखा लगाते हैं लोग संडे वंडे के लिए। जय श्री राम। बहुत वृक्ष है, बस सामने दिख रहे हैं, देखिए चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आप कुटिया के महाराज जी को, शोभनाथ बाबा जी महाराज, ये रही उनकी प्रतिमा सामने। नाथ जी आदेश, हम लोग बचपन में आया करते थे, बोलते थे नाथ जी आदेश,
और वो बोलते थे जवाब में बच्चा आदेश, बहुत अच्छा लगता था सुन के। वो समय हम लोग पाँचवीं क्लास में पढ़ रहे थे, बराईपुर में प्राथमिक विद्यालय है। सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि बैठे हैं महाराज जी। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, देखिए आप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आज इस ब्लॉग में। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आप देख रहे हैं चित्र ब्लॉग, हाँ चित्र ब्लॉग। मैं सुखनंदन, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इंटर किया हूँ और मैं लंका बेचू मेडिकल पे जॉब करता हूँ। कार मेडिकल एजेंसी लंका पे है, पहले अरोड़ा से हॉस्पिटल पर काम करता था, फिर वहाँ से छोड़ने के बाद अब इधर करता हूँ। और जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को कि और ये देखिए माता जी का मंदिर है, दुर्गा माँ का। जय माता दी, कितनी सुंदर लग रही है माँ, हे माता रानी प्रणाम माँ, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः, हर हर महादेव। जय भोले बाबा के मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे ऊपर, आपको दिखाते हैं। लग रहा महाराज जी हैं नहीं, कहीं गए हुए हैं। बहुत अच्छे महाराज जी हैं। और ये देखिए यहीं पर हुई थी फिल्म की शूटिंग, ये सामने खिड़की जो दिख रही है, हाँ भोजपुरी फिल्म सौगंध गंगा मैया की यहीं फिल्म शूटिंग हुई थी, लाइव सीन। हाँ और ये सामने जो है कुआं है, कुएँ का पानी बहुत ठंडा होता है, आप गर्मी के मौसम में आइए एक लोटा पानी पी लीजिए, ऐसा लगेगा कि हम फ्रिज का पानी पी लिए। और चार बाल्टी अगर नहा लेते आपको ठंडा लगने लगेगा। हाँ ये टंकी है, और ये देखिए नीचे का रास्ता है, जो गाड़ी घोड़ा आते हैं इधर से, गाड़ियों से लोग आते हैं और यहीं से दौड़ के आ रहे थे फोन से। और यह गेट, पहले सिर्फ सीढ़ी थी, रास्ता नहीं बना हुआ था ऊपर जाने के लिए, तो मान लीजिए गाड़ी के लिए रास्ता बन गया है। आप लोग आइए, गाड़ी ऊपर खड़ा करिए और इंजॉय करिए। देखिए सीढ़ी है, पहले हम लोग आते थे बचपन में घूमने, बहुत ज़्यादा खेलते थे। और आगे अखाड़ा भी है, पहले लोग पहलवान करते थे, ज़्यादातर हम लोग भी आते थे, इतना छोटे थे।
और डंड बैठती अपना रियाज वाज मारते तो सोच रहे हैं बैठे 5 मिनट फिर चलेंगे देखते तो सामने है शिव मंदिर और उसी के पीछे है अखाड़ा इसी को देखे गए पे और ये देख रहे हैं जो सामने था ये पूरा जो है वहीं पर शूटिंग की हुई थी महाराज जी लगा देना बड़ा नया वाला एक बड़ा टुकड़ी आता है जो स्टेशनों पे लगा रहता है ऊपर से खोला बप्पा जादू 1-2 इंच का इससे मोटा लगा के बीच में बात का लगवा दो अरे कोई नहीं है बराबर आया ना और ये देख रहे हैं आप लोग इमली है और बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो यहीं पे इमली खाया करते थे दोपहर की छुट्टी में बहुत ज़्यादा हम लोग यहीं घूमने आते थे ठंडा पानी पीने का मन करता था यहीं पे आ जाते दुनिया में पानी पीते थे और इमली भी खा लिया करते थे और ये रहा देखिए अखाड़े पर ये रखा हुआ नाल और ये देखिए सब पहलवान बैठे हुए आय कर रहे हैं हम बाराईपुर के पहलवान कुछ हैं कुछ सिकड़ा पर के हैं हाँ जिम के आ गए अब अखाड़े पर कौन उतना आते नहीं है लोग लेकिन पहले जहाँ ये 5 है वहाँ 50 रहते थे समय समय की बात है आज लोग जिम में जाना पसंद करते हैं अखाड़े धूल मिट्टी में कौन आना चाहता है अब सबको दमकसी वाली बॉडी नहीं चाहिए सबको दिखाई वाली बॉडी चाहिए लेकिन पहलवानी में ये होता है कि आपको बॉडी दिखेगा नहीं लेकिन अंदर से ताकत रहेगी स्टेमिना बना रहेगा और ये महाराज जी देखिए चाय बना रहे हैं अभी हमको चाय पी रहे हैं हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि हम जा रहे हैं लेकिन नहीं वो बोले कि नहीं बच्चा चाय पी के जाओ हम के लिए महाराज जी पी लेते हैं और ये देखिए पीछे का नज़ारा है कुटिया का कैसा लगा आप लोग को आश्रम देख के कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुँचे और लोग आएं कुटिया घूमें देखें आज के लिए